तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं। उसका नाम पॉल था, जो थिएटर में बैठा एक किताब पढ़ रहा था। पॉल दरअसल इस थिएटर में ही काम किया करता था। तो वो ये कहानी पढ़ते पढ़ते फिल्म की रील को तब्दील करने जाता है, तभी अचानक से न जाने क्या हो गया था, सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं, हर तरफ अंधेरा छा गया था। पॉल जब बाहर जाकर देखता है तो बाहर भी कोई नहीं था, सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स चली हुई थी और लोगों के कपड़े पड़े थे। तभी वहाँ पर बाहर से सिक्योरिटी गार्ड आता है। जब वो भी ये सब देखता है, हैरान हो जाता है। पूरा थिएटर मॉल सारा खाली था, जहाँ पर कुछ देर पहले लोगों का हजूम था, मगर अब बिल्कुल सुनसान पड़ा था। पॉल और सिक्योरिटी गार्ड मिलकर लोगों को ढूंढने लगते हैं। अचानक से पॉल के हेलमेट की लाइट भी बंद होने वाली थी। पॉल अपनी लाइट पर जोर जोर से मारता है ताकि वो दोबारा जल जाए। जब पॉल सिक्योरिटी गार्ड को देखता है तो वो भी गायब हो चुका था। तभी पॉल देखता है कि जैसे कोई परछाई है जो उसका पीछा कर रही है, वो वहाँ से भाग गया था। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो हॉस्पिटल में अपने नोमा के बच्चे को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर ऑपरेशन थिएटर पर पड़ती है, जहाँ पर एक आदमी की सर्जरी चल रही थी, लेकिन उधर डॉक्टर नहीं थे, यहाँ पर भी सिर्फ डॉक्टर्स के कपड़े पड़े थे। अचानक से लाइट बंद हो जाती है और वो मरीज भी गायब हो गया था। इसके बाद हम कहानी में एक और कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम ल्यूक होता है। एक रिपोर्टर था, वो उठकर जब अपनी वाइफ को घर में देखता है तो वहाँ पर कहीं पर भी उसकी वाइफ नहीं थी। खैर, ल्यूक रोजाना की तरह अपने ऑफिस के लिए तैयार होता है और अखबार पढ़ते हुए अपने अपार्टमेंट से बाहर आ गया था। तभी पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि ये अखबार तो एक दिन पुराना है। जब वो बाहर आकर देखता है तो हर तरफ गाड़ियाँ खड़ी थी। उसे थोड़ी दूर एक प्लेन भी क्रैश होता दिखाई देता है। इसी तरह तीन दिन गुजर जाते हैं। गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहा है, जैसे ही वो गाड़ी में बैठने लगता है तो एक घबराया हुआ आदमी उसके पास आया था और फ्लैशलाइट मांगने लगता है, मगर ल्यूक ने उस आदमी की बात को नहीं सुना था। कुछ देर के बाद एक शेडो साया पर छाई आकर उस आदमी को गायब कर देती है। ये देख कर ल्यूक घबराकर अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। इसी दरमियान में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं, जो ल्यूक को ही देखे जा रही थी। उस बच्चे के हाथ में भी फ्लैशलाइट थी। ल्यूक अभी ट्रक के पास आता है, ट्रक के अंदर जाकर उसे कुछ फ्लेयर लाइट्स मिलती हैं। उन सब चीजों को लेकर ल्यूक एक बार में आ गया था, वहाँ पर भी लाइट्स जल बुझ रही थी। जल्दी से ल्यूक बार के बेसमेंट में जाता है और जनरेटर की पावर को बढ़ा देता है, जिससे लाइट ठीक हो गई थी। तभी उसे वहाँ पर एक लड़का मिलता है, उसने ल्यूक पर गन कर ली थी और उसे बेसमेंट से बाहर ले आता है। ये सब देख कर ल्यूक उस लड़के को समझाता है कि देखो, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारी मदद करने वाला यहाँ पर कोई नहीं होगा, तुम अकेले रह जाओगे। ल्यूक उस लड़के से उसका नाम पूछता है, वो बताता है कि मेरा नाम जेम्स है। जेम्स ल्यूक से कहता है कि मेरी डैड इस बार के मालिक है और मेरी मॉम पास वाले चर्च में मदद मांगने गई है। ल्यूक उससे कहता है, देखो तो मेरे साथ चलो, यहाँ पर जो लाइट जल रही है वो जनरेटर से जल रही है। एक बार जनरेटर का फ्यूल खत्म हो गया तो यहाँ की लाइट भी बंद हो जाएगी, मगर जेम्स उसके साथ जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसके मॉम ने उसे यहीं पर रुकने का कहा था। वो कहता है, देखो अभी सुबह के 11 बजे हैं और बाहर कितना अंधेरा है, सूरज भी ज्यादा देर तक नहीं निकलेगा। जो भी अंधेरे में रहेगा, काली परछाई उस इंसान को गायब कर देगी। मगर अब भी जेम्स उसके साथ चलने को तैयार नहीं था। तभी यहाँ पर वो ही लड़की आती है, जिसको हमने हॉस्पिटल में देखा था, जो अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। वो यहाँ पर भी आकर इन दोनों से अपने बच्चे के बारे में पूछती है और यहाँ वहाँ ढूंढने लगी थी। ल्यूक उससे कहता है, देखो हमारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। वो लड़की मानो जैसे पागल हो गई थी, वो उधर से ही गन उठाकर गोली चला देती है। जब वो थोड़ा सा सुकून में आती है, अब वो इन्हें बताती है कि मेरे हस्बैंड से मेरी नहीं बनती थी, मुझे लगा मेरा हस्बैंड मेरे बच्चे को चुरा कर यहाँ ले आया होगा, क्योंकि अक्सर वो इस बार में आया करता था। वो अपने बारे में अब बताने लगती है। यहीं से हमें उस लड़के का पास माजी भी दिखाया जाता है। वो एक डॉक्टर थी, एक दिन में हॉस्पिटल में जब अपनी ड्यूटी दे रही थी और कुछ देर के लिए बाहर सिगरेट पीने गई, तभी अचानक से सारी लाइट्स बंद हो गई। वो साया आ गया था, जो एक एक करके सभी को गायब करने लगा, सिवाय उनके जिनके पास रोशनी थी। और वो इसलिए बच गई थी क्योंकि उसके पास लाइटर की रोशनी थी। अगली सुबह जब उसने अपने घर आकर देखा तो उसका बच्चा भी गायब हो चुका था। तो यहाँ से कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है। ल्यूक उससे पूछता है, तुम अब तक कैसे जिंदा हो। वो यहाँ पर अपने बैग से बहुत सारी लाइट्स निकालती है, जो अंधेरे में चमकती थी। वो बताती है इनकी मदद से। तभी उन तीनों को बार में किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है, जो बाहर से आ रही थी, जो हेल्प हेल्प मदद के लिए चिल्ला रहा था। ल्यूक अपनी लाइट लेकर बाहर जाकर देखता है, उसे बस स्टैंड पर एक आदमी मिलता है, जो कोई और नहीं बल्कि पॉल था, जिसको हमने कहानी के शुरू में थिएटर में देखा था। ल्यूक उसे उठाकर अपने साथ बाहर की तरफ लाने लगता है, मगर रास्ते में ल्यूक की लाइट बंद हो गई थी और वो साया भी अब इनकी तरफ बढ़ रहा था। इसलिए जल्दी से ल्यूक ने अपनी फ्लेयर लाइट्स को जला लिया था, जिससे साया वहीं पर रुक जाता है। अंदर बार में
जेम्स को भी अपनी मॉम की आवाज आती है जिसे सुनकर वो बाहर जाने लगा था, लेकिन जल्द ही वो लेडी डॉक्टर उसे रोक लेती है जो अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, वरना जेम्स भी उस साय की लपेट में आने वाला था। इसका मतलब ये था कि वो साया लोगों को हेलुसिनेट भी किया करता था, यानी कि लोगों को अजीबोगरीब आवाजें और ख्याल दिखाता कि जैसे उनके प्यारे उन्हें पुकार रहे हैं, और फिर अपना शिकार बनाकर उन्हें गायब कर देता था। उधर ल्यूक भी पोल को बार की तरफ ला रहा था, उसकी फ्लेयर लाइट्स भी बुझ गई थी, लेकिन जैसे तैसे वो जल्दी पोल को बार में ले आया था। जब पोल को होश आता है तो ल्यूक उसके बारे में पूछता है। वो बताता है कि मैं एक थिएटर में काम करता था और मुझ पर एक काले साय ने हमला कर दिया। मैं नहीं जानता आगे क्या हुआ, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं किसी तरह उस बस स्टैंड तक पहुंच गया जहां पर रोशनी थी। वो आगे कहता है, मुझे लगता है कि हमारी दुनिया में शायद कोई एलियंस आ गई हैं जिन्होंने हमारी दुनिया पर हमला कर दिया है, या फिर ये भी हो सकता है कि साइंटिस्ट के तजुर्बे कुछ गलत हो गए हो जिससे दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया है और एलियंस यहां पर आ गए हैं। वहां पर लेडी डॉक्टर जो अपने बच्चे की तलाश में थी वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो लगता है कि गॉड हमें सजा दे रहे हैं, ये हमारे गुनाहों का नतीजा है। तभी बार की लाइट्स फिर से जलने बुझने लगी थी। ल्यूक और पोल जल्दी से जनरेटर को ठीक करने चाहती हैं। इसी दौरान पोल इन्हें कहानी सुनाता है, कहता है एक कॉलोनी में बहुत से लोग रहा करते थे, मगर जब गवर्नमेंट ने फूड सप्लाई के लिए उनके पास ट्रक भेजे तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। सारा शहर अचानक से वीरान हो गया, सब लोग गायब हो चुके थे बिना कोई सामान लिए। और जब तहकीक करने वाली टीम वहाँ पर गई तो उन्हें दीवार पर एक लफ्ज लिखा हुआ मिला। लेडी डॉक्टर कहती है कि उस अल्फाज का आखिर क्या मतलब था। पोल बताता है उसका मतलब आज तक किसी को नहीं पता चला, शायद ही एक किस्म की वार्निंग थी। ये सब बातें बताते बताते पोल भी होश हो गया था क्योंकि वो अभी भी काफी जख्मी था। ल्यूक और लेडी डॉक्टर उसे उठाकर पूल टेबल पर लिटाते हैं। ल्यूक उसके लिए बर्फ लेने गया था, तभी उसे यहाँ पर अपना पास्ट मासी की कुछ यादें याद आती हैं कि जब वो ऑफिस गया था उसने अपनी वाइफ के गायब होने के बाद कुछ वीडियोस देखी थी जिसे देखकर इसे पता चला कि लोग किसी साय की वजह से गायब हुए हैं। उसने वहीं पर एक आदमी की वीडियो भी देखी जो बता रहा था कि सबको अपने साथ लाइट जरूर रखनी है वरना साया आकर उन्हें भी अपने साथ ले जाएगा। उसने बताया था कि वो साया लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। इस बात का मुझे तब पता चला जब मैंने अपने भाई की आवाज को सुना, मगर वो तो 7 साल पहले मर चुका था, तो इसलिए आप सबको संभल कर रहना होगा। और सबको शिकागो आने का कहता है और अपना नंबर भी देता है। जब ल्यूक नंबर नोट करने ही वाला था तभी सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और एक काला साया ल्यूक के पीछे था। इससे पहले वो साया ल्यूक पर हमला करता उसने वहाँ पर खिड़की से सभी पर्दों को पीछे कर दिया था जिस वजह से रोशनी अंदर आने लगी और वो साया वहाँ से चला गया। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर ल्यूक बैठा ये सब बातें याद कर रहा था। वो अब बार में इन सबको उस आदमी के बारे में बताता है जिसकी इसने वीडियो देखी थी और कहता है कि हम सबको शिकागो जाना होगा। वो बताता है कि वहाँ पर वो लोग हैं जो जिंदा बचे हैं। मुझे एक ट्रक भी मिला है जिसकी बैटरी अभी चल रही है, लेकिन हमें किसी तरह से धक्का देकर उसे यहाँ तक लाना होगा। अब सब लोग इसकी बात को मान जाते हैं। ल्यूक और लेडी डॉक्टर उस ट्रक को लेने बाहर जाती हैं। जेम्स को इन्होंने पोल के पास छोड़ दिया था ताकि वो उसका ख्याल रख सके। उनके जाने के बाद जेम्स को भी बार में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। उसे बार में लोगों की भीड़ दिखाई देती है। तभी पोल जब उससे पानी मांगता है तो वो दोबारा से होश में आ गया था। अब जब वो पोल के लिए पानी लेने जाता है तो बार की लाइट्स जलने बुझने लगती हैं। उधर बाहर ल्यूक और लेडी डॉक्टर दोनों ट्रक को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान ल्यूक के पाँव में चोट लग गई थी और इसीलिए वो वहीं पर कुछ देर बैठकर आराम करने का सोचते हैं। तभी वो अपने सामने एक छोटी बच्ची को देखते हैं। ये दोनों उसे पास बुलाते हैं ताकि वो उसकी मदद कर सके, मगर वो बच्ची जब इनके पीछे साय को आते हुए देखती है तो वो डर गई थी और वहाँ से भाग जाती है। ल्यूक उस बच्ची को रोकने की कोशिश कर रहा था और उसके पीछे भागता है जिस वजह से वो गिर गया था और उसकी लाइट भी बुझ जाती है। तभी वहाँ पर साया ल्यूक की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर लेडी डॉक्टर ने जल्दी से ट्रक की लाइट को जला दिया ताकि ल्यूक की जान बच जाए। उधर बार में पोल के पास जेम्स अब तक पानी लेकर नहीं पहुँचा था। वो जब जेम्स को ढूंढने जाता है तो बाथरूम में जेम्स की ग्लो लाइट पड़ी थी, मगर वो खुद गायब था। पोल अब उसे ढूंढता ढूंढता बेसमेंट में पहुँच गया था जहाँ पर उसे एक टनल दिखाई देता है। जब ये उसके अंदर जाता है तो आगे दीवार थी और तभी वो साया इस पर हमला कर देता है। इन सबसे डरकर पोल जाग गया था। मतलब ये सिर्फ पोल का एक सपना था, लेकिन अब हकीकत में बार की लाइट्स बंद हो जाती हैं और साय ने पोल को गायब कर दिया था। जेम्स जो कि अपनी ग्लो लाइट की वजह से बचा हुआ था वो आकर जब पोल को देखता है तो उसके सिर्फ कपड़े पड़े थे और वो खुद गायब हो चुका था। दूसरी तरफ ल्यूक और लेडी डॉक्टर की ट्रक की लाइट्स भी बंद होने वाली थी। ल्यूक अब उस ट्रक के पेट्रोल से एक मशाल चलाने की कोशिश करता है ताकि उससे रोशनी हो सके, मगर उनके पास न माचिस थी और न ही लाइटर, इसलिए लेडी डॉक्टर ल्यूक को पास ही
हॉस्पिटल में ले आती है जहाँ पर पहले ये काम किया करती थी। वहाँ पर आकर इन्हें माचिस मिलती है, ये जल्दी से आग जलाती है जिससे इनकी जान बच गई थी। तभी लेडी डॉक्टर को अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसी आवाज का पीछा करती बाहर आ गई थी। वो रोड के दरमियान में एक झूले को पड़ा हुआ देखती है। जब वो उसके पास जाकर देखती है तो झूला खाली था। दरअसल वो साया इन्हें गुमराह करना चाहता था और इसीलिए अब लेडी डॉक्टर भी गायब हो जाती है क्योंकि वो बिना किसी लाइट के अंधेरे में आ गई थी। ये देखकर ल्यूक भी डर गया था। वो किसी तरह से बार के पास आता है। इधर अंतर बार की लाइट्स भी जलने बुझने लगती हैं। ल्यूक बार के अंदर आकर जेम्स को अपने साथ लेता है और जनरेटर से फ्यूल निकालकर ट्रक में डालकर यहाँ से चला जाता है। ल्यूक जेम्स को लेकर उस एरिया से काफी दूर आ गया था। वो देखता है कि ट्रक का बोनेट खुला हुआ है, इसीलिए जब वो उसे एक जगह पर रोककर ठीक करने लगता है तभी जेम्स की नजर सामने चर्च पर पड़ती है। उसे लग रहा था कि शायद अभी भी अंदर उसकी मॉम होंगी। ल्यूक जेम्स को रोकने की कोशिश करता है मगर वो उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। जेम्स को अंदर एक साया महसूस होता है। तभी सही वक्त पर ल्यूक ट्रक को ठीक करके वापस ले आया था और जेम्स को वापस आने का कहता है, लेकिन जेम्स उसकी कोई बात नहीं सुनता। तभी अचानक से ट्रक की लाइट्स बंद हो जाती हैं, जिसके साथ ल्यूक भी गायब हो गया था। अब वो साया जेम्स पर हमला करने ही वाला था। जेम्स जो कि काफी डरा हुआ था वो चर्च में जलती हुई मोमबत्तियों के दरमियान में जाकर बैठ जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारी मोमबत्तियाँ भी बुझ गई थी। जब सुबह होती है तो हमें दिखाया जाता है एक मोमबत्ती अभी भी जल रही थी जिसकी वजह से जेम्स अभी गायब नहीं हुआ था। कुछ देर के बाद वहाँ पर वही बच्ची आती है जो पहले ल्यूक को देखकर भाग गई थी। जेम्स जब यहाँ से जाने वाला था तो वो बच्ची उसे रोक लेती है और अपनी सोलर लाइट दिखाती है जिससे वो अभी तक जिंदा थी, इसलिए अब वो जेम्स को अपने साथ चलने का कहती है। वो दोनों बाहर आ गए थे। तभी इन्हें घोड़ा दिखाई देता है जिस पर बैठकर अब वो यहाँ से जाने लगते हैं। इतने सारे लोगों में से जेम्स और सिर्फ ये छोटी बच्ची बचे थी और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।